हेलो जी। हेलो, क्या हाल है सबके? यार, आप लोगों का एक समाधान निकाल दिया। मैंने एक प्रॉब्लम का बहुत बढ़िया सोल्यूशन दे दिया है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, क्रेटाले सेल्टोसली सेल्टोसली क्रेटाले, भर भर की वीडियोस है यूट्यूब पे, इसका आज सोल्यूशन दे देता हूँ भाई। कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, ठीक है? बात करते हैं सीधे चाबी से। ये बाकी सेम फंक्शन है, ये आप खड़े खड़े स्टार्ट हो जाती है चाबी से ही, ये स्टार्ट नहीं होती बाकी दोनों की। और हाँ, दोनों भाई, ये नहीं कहना कि ये हुंडई बहुत पुरानी कंपनी की अभी नहीं आई है तो ये इस वजह से ये दिक्कत है। दोनों की पेरेंट कंपनी हुंडई मोटर्स है, इस चीज को छोड़ दो। सेम इंजन है, सेम चेसिस है, सेम आपकी बिल्ड क्वालिटी है, सेम स्ट्रेंथ है, सब कुछ सेम है। इसको 3 स्टार रेटिंग मिले हैं, इसको भी, इसकी अभी टेस्ट नहीं हुआ, इसको भी 3 स्टार ही रेटिंग मिलेगी। बाकी बिल्कुल सब कुछ सेम है, फर्क है तो सिर्फ थोड़े से फीचर्स का और लुक्स का, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। क्रेटा और ये किया और हुंडई में कोई फर्क नहीं है। किया हुंडई की पेरेंट कंपनी हुंडई मोटर्स लिमिटेड है, किया की पेरेंट कंपनी हुंडई मोटर्स लिमिटेड है, दोनों साउथ कोरिया की कंपनी है, सब कुछ सेम है। किया का जो आपको सर्विसिंग मिलेगी वही इसकी मिलेगी, जो इसके पार्ट्स मिलेंगे वही इसके मिलेंगे, सब कुछ सेम है। जैसे आपने पहले देखा होगा स्कोडा और वॉक्सवैगन, दोनों एक ही कंपनी के, वॉक्सवैगन ग्रुप की है ये दोनों, इसी तरीके से हुंडई मोटर ग्रुप की है। तो इसमें इस चीज को लेके आप निश्चिंत हो जाइए कि किया नई कंपनी है, ये चले ना चले गाड़ी, क्या ये हो वो नहीं, ये भी फोर्थ लार्जेस्ट ऑटो मेकर बन गई है इंडिया में, और ये तो है ही सेकेंड नंबर पे। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल ना सोचे, बाकी फर्क है तो सिर्फ लुक्स का और फीचर्स का। उसके लिए आज हम उसका तोड़ कर देंगे कि कौन सी आपको लेनी चाहिए। तो इसकी जो यूएसपी है, इसकी यूएसपी है सनरूफ मिल जाता है इसमें, बड़ा वाला पैनोरामिक सनरूफ। इसमें जो सनरूफ मिलता है टॉप मॉडल में, छोटा छोटा सनरूफ मिलता है। और अगर आप देखेंगे दोनों में डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। ये थोड़ा लोअर वेरिएंट है, अगर इसमें टॉप वेरिएंट में जाएंगे दोनों में डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। दोनों की कॉस्ट सेम है, 10-20 हज़ार का ऊपर नीचे है। दोनों के इंजन सेम है, इंजन की स्पेसिफिकेशन सेम है, बस फर्क है तो इंटीरियर का। इसमें इंटीरियर इसका थोड़ा सा अच्छा मिलता है, मतलब स्पोर्टी इंटीरियर मिलता है, इसका थोड़ा एलिगेंट और ओल्ड स्कूल टाइप इंटीरियर मिलता है। तो इंटीरियर के मामले में सेल्टोस, अगर आप टॉप वेरिएंट लेंगे तो सेल्टोस इंटीरियर के मामले में ज़्यादा बेटर लेंगे। एक्सटीरियर की, एक्सटीरियर में भाई सेल्टोस प्लस पॉइंट होता है सेल्टोस का। क्रेटा ज़्यादा आगे से अच्छी नहीं लगती, पीछे से क्रेटा ज़्यादा अच्छी लगती है, सेल्टोस अच्छी नहीं लगती। ओवरलुक अगर देखेंगे तो सेल्टोस की ज़्यादा अच्छी है, ये टॉप वेरियंट है और थोड़ी साफ खड़ी है इसलिए ज़्यादा अच्छी लग रही है। बट जो देखेंगे, अगर आप बेस वेरिएंट पे देखेंगे, ई एस और ये एस एक्स वाले वेरिएंट देखेंगे, ऐसे ही इसमें एस टी के प्लस वाले वेरिएंट देखेंगे तो उनमें जाते हैं। अगर आपको जाना है तो प्लीज़ किया सेल्टोस पे जाइए, क्योंकि इसकी लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। दूसरी बात है इंटीरियर की, इंटीरियर इसके बेस वेरिएंट से ही इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा मिलता है, इसका बेस वेरिएंट से इंटीरियर अच्छा नहीं मिलता। इसका सिर्फ एस एक्स ऑप्शनल में इंटीरियर अच्छा मिलता है, और किसी वेरियंट में आपको इंटीरियर अच्छा नहीं मिलेगा। फिर आती है बात फ्यूल इकोनॉमी की, फ्यूल इकोनॉमी दोनों सेम है क्योंकि इंजन दोनों के सेम है और स्पेक्स बिल्कुल दोनों के सेम है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स उसमें भी है, इसमें भी है, दोनों का गियर बॉक्स सेम है। वही वही गियर बॉक्स उसमें आता है, टॉर्क कन्वर्टर वाला है, वही गियर बॉक्स इसमें आता है। और पीछे से देखने में अपनी लुक्स के ऊपर, अगर आपको क्रेटा लुक्स अच्छी लग रही है तो आप क्रेटा लीजिए, लुक्स इसकी अच्छी लग रही है तो ये लीजिए। बिल्कुल दोनों गाड़ी सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेल्टॉस जो है वो एक तरह से पुरानी वाली क्रेटा की 60% तक आप नकल कह सकते हो, इसको कॉपी कह सकते हो, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। जिसको पुरानी क्रेटा अच्छी लगती थी वो सेल्टॉस पे जा सकता है, जिसको ये फ्यूचरिस्टिक डिजाइन जो पीछे का अच्छा लगता है वो इस पे जा सकता है। बाकी अब हम बात करेंगे इन दोनों के टॉप वेरियंट की। टॉप वेरियंट में इसमें वही पेनारोमिक सनरूफ मिल जाता है, इसमें सनरूफ छोटा मिलता है, इसका इंटीरियर टॉप वेरियंट का अच्छा लगता है, और बाकी डैशबोर्ड और इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर वगैरह सब कुछ इसका अच्छा लगता है। तो आप टॉप वेरिएंट में आप क्रेटा चूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना है तो उसका ऑटोमेटिक वेरिएंट अराउंड आपको 17.5 लाख का मिलेगा। इसका आपको 15.5 का ऑटोमेटिक वेरिएंट मिल जाएगा, उसमें लोअर वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक नहीं आता, इसमें लोअर वेरिएंट में ऑटोमेटिक आता है, और इसमें सारे लोडेड फीचर्स मिल जाते हैं। और बाकी अगर आगे से देखेंगे तो ये ट्रायो बीम हेडलैम्प्स हैं टॉप वेरिएंट की, एसएक्स और एसएक्स ऑप्शनल में जो आती है वो ही अच्छी लगती है। इससे नीचे जो प्रोजेक्टर वाली आती है वो अच्छी नहीं लगती। इसकी ट्रायो बीम वाली भी अच्छी लगती है, इसकी प्रोजेक्टर वाली भी अच्छी लगती है। तो इसलिए लुक्स के मामले में किया सेल्टोस +1 है, इंटीरियर के मामले में किया सेल्टोस +1 है। बट अगर आपको टॉप वेरियंट या 19-20 लाख रुपये अगर आप खर्च करने हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्रेटा के लिए हमें जाना चाहिए। बाकी आप प्लीज इस चीज के लिए ना ही सोचे। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा क्रेटा ये किया कि कौन सी
कौन पेरेंट कंपनी है और क्या इसके सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह सारी चीज की बना दूंगा। सब कुछ A to Z बिल्कुल सेम है, आपको इतना सा भी 1% भी ये सोचने की जरूरत नहीं है ये नई कंपनी है पुरानी कंपनी है, सब कुछ सेम है। इवन अगर आप इसके पार्ट्स खरीदोगे तो इस पर हुंडई और किया दोनों के लोगो मिलेंगे, इसके पार्ट्स खरीदोगे हुंडई और किया के दोनों के लोगो मिलेंगे। बस फर्क है तो बस शेप का, इसकी शेप का, इंटीरियर का, इसके इंटीरियर का, जिसमें शेप में और इंटीरियर में प्लस वन इसको मिलता है, इसको नहीं मिलता। बस ये था, बाकी अगर जिसको इसका फ्रंट अगर अच्छा लग रहा है और टॉप वेरिएंट लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल हुंडई क्रेटा की तरफ जा सकते हो, मोस्ट अवॉर्डेड कार है वैसे भी ये। और बाकी अगर आपको बेस वेरिएंट देखने हैं ना, बेस वेरिएंट STE, जो इसका ई वेरिएंट और इसका एसटी वेरिएंट देख रहे हो ना भाई, ई को बिल्कुल देखो भी मत, STE ले लो 1%, तुरंत जाके ले लो STE। फिर इसका जो EX ऑप्शन, EX देख रहे हो और इसका STK देख रहे हो, STK ले लो, EX मत देखो। और जो इसका S वेरिएंट देख रहे हो और इसका STK प्लस देख रहे हो, STK प्लस ले लो, S वेरिएंट भी मत लो। बट अगर इसका SX और SX ऑप्शनल देख रहे हो और इसका GTX और GTX STX वगैरह GTX और STX देख रहे हो, तो आपको डिफरेंस करना है कि आपको लुक्स किसकी ज़्यादा अच्छी लग रही है और इंटीरियर किसका अच्छा लग रहा है। आपको सनरूफ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और हाँ टॉप वेरिएंट में इसमें भी चारों डिस्प्ले आ जाती है, तो आपको सनरूफ पैनारोमिक चाहिए या आपको सनरूफ छोटा वाला चाहिए, उस चीज़ के आप देख सकते हो। बाकी एस वेरिएंट और एसटी, इसका STK प्लस और इसका एस वेरिएंट तक यही आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, आपको नहीं लेनी है क्रेटा बिल्कुल भी। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जब मैं सेल्टोस लेने गया था ना भाई, एक महीने तक दिन रात मैंने इतनी वीडियोस देखी ना, क्रेटा सेल्टोस, सबने इसके फीचर बता दिए, इसके फीचर बता दिए, कंपैरिजन कर दिए, पर किसी ने तोड़ नहीं किया कि भाई यही लो, ये मत लो, ऐसा किसी ने कुछ बताया नहीं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था कि भाई लोगों को, इसलिए अब ये वीडियो आपकी लास्ट होनी चाहिए, इसके बाद आप जाके गाड़ी की बुकिंग दे दो और आप गाड़ी जाके शोरूम से डिलीवरी ले आओ। और प्लीज़ मेरे को ज़रूर टैग करना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आपने कौन सी गाड़ी ली है, और डिस्क्रिप्शन में भी बता के जाना यार, वो उसमें कमेंट्स में बता के जाना कि आपको मेरे व्यूज़ अच्छे लगे कि नहीं लगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।